हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन की शुरुआत की है? तो यह की है पंजाब राज्य ने। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। हाल ही में अबाबील मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। अबाबील पाकिस्तान की एक मध्यम दूरी की मिसाइल है। अबाबील पाकिस्तान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अबाबील जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता 2200 किलोमीटर तथा यह कुल 1500 किलोमीटर हथियार ले जा सकती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं आरिफ अलवी तथा प्रधानमंत्री अनवर उल हक हैं। हाल ही में किस देश को लिम्फैटिक फाइलेरिया से मुक्त किया गया है? फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया गया है, तो किया गया है लाओस को। हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। आईबी के जो प्रमुख हैं वो है तपन कुमार डेका, रा के प्रमुख रवि कुमार सिन्हा और एनआईए के प्रमुख हैं दिनकर गुप्ता। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है ढोरडो गांव, जो कि गुजरात का है। कुमलांगी गांव यह पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। माटा गांव यह उत्तराखंड का है, इसे फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया जाना जाता है। और मोढ़ेरा जो है यह 24x7 सोलर एनर्जी से संचालित गांव बना है। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस बार 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया है? तो यह फहराया गया है अटारी बॉर्डर पर। केंद्रीय और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। भारत के ध्वज की ऊंचाई 418 फीट है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। यह मैप वर्ष 2023 से 28 पाँच वर्षों के लिए होगा। इस रोड मैप के माध्यम से अगले 5 वर्षों में राज्य में कृषि विकास की कार्ययोजनाएँ बनाई जाएंगी। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 64वें स्थान पर। जारीकर्ता नॉर्डलायर है और फर्स्ट स्थान डेनमार्क को मिला है, वहीं भारत का स्थान 64वां है। हाल ही में किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आरईसी लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसीएल लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए यह प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।